देव को ऐसा वैसा काम नहीं करती। बाबा ने एक बार बड़ी अच्छी बात बताई, रास्ते में कोई भी चीज गिरी हुई होगी, सोना गिरा होगा, हीरा गिरा होगा, जो रायत होगा वो कभी भी उस चीज को उठाएगा, परंतु जो ऐसा वैसा होगा वो फट से उठा लेगा। तुम किसके बच्चे? तुम सर्वशक्तिमान के विश्व पिता के बच्चे हो और तुम विश्व के मालिक बनने वाले। इसीलिए पुराने जन्म के जो तुम्हारे संस्कार है, जो तुमने फेंक दिए है, फेंकी हुई चीज को वापस नहीं उठा। क्षुद्र बने को संस्कारों को टच करना ये भी इम्प्यूरिटी है। ये तुम कभी भी उसको टच नहीं करना। ये समझ बाबा ने हम बच्चों को दिया है कि तुम्हारा तो जीवन ही नया है, तुम्हारे विचार नए हैं, तुम्हारे संस्कार नए हैं, जिस आधार पर सारी दुनिया क्या बनती है, नहीं बनती। बाबा ने हम बच्चों को पवित्रता की यहाँ तक बात समझाई कि अगर किसी के अवगुण तुम चित्त पर धरते हो तो वो भी प्यूरिटी की पर्सनैलिटी नहीं है, क्योंकि औरों के अवगुणों को अपने चित्त पर धरना ये कहाँ तक ठीक है। तो इसीलिए तुम्हें कभी भी किसी के अवगुण नहीं देखना है, किसी की कभी कमजोरी को नहीं उठाना है। हमेशा कहा जाता है जैसा देखेंगे वैसा बन जाए। तो देखेंगे हमारे की विशेषताओं को देखें, ये वास्तव में है सत्यता। इस बात का हमें हमेशा ध्यान रखना है कि मुझे जब सर्वगुण संपन्न बनना है, 16 कला संपूर्ण बनना है, तो हमें एक दो की विशेषताओं को देखना है, एक दो के गुणों को देखना है, जिस आधार पर हम सर्वगुण संपन्न बन जाते हैं।